नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु होगी। इतिहास विषय की अगर बात की जाए तो इतिहास विषय के दौरान जो हम मौर्य काल को पढ़ रहे हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है मौर्य काल के। आज व्यापार सिस्टम की हम बात करेंगे, व्यापारिक व्यवस्था यानी कि ट्रेड सिस्टम कैसा रहता है, व्यापार कहाँ कहाँ हम देखेंगे, विदेशी व्यापार और जो घरेलू व्यापार आंतरिक व्यापार, हमें दो तरह के व्यापार देखने को मिलते हैं। किस तरीके से विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था, कौन कौन सी वस्तुओं का आयात किया जाता था, कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता, उसके अलावा जो आंतरिक व्यापार की बात करेंगे यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के भीतरी प्रांतों के मध्य किस तरीके से व्यापार किया जाता था। अब व्यापार के तहत हम देखेंगे राज्य के द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए किस तरीके से जो सहायता की जाती और किस तरीके से जो प्रोत्साहन दिया जाता था व्यापार को, उसके अलावा जो व्यापारियों को कौन कौन सी सुविधा मुहैया करवाई जाती थी राज्य की तरफ से, और व्यापार का सिस्टम किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, और व्यापारियों जैसे हमने श्रेणियों की बात की थी पिछली क्लास में, जिसे गिल्ड भी कहा जाता है, यानी उन श्रेणियों संगठनों के माध्यम से व्यापारियों के संगठन के माध्यम से क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता। अलग अलग संगठन थे, जिस तरीके से किसी विशेष तरह के जो व्यापार से संबंधित होते थे। तो अब व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार हमें दो तरह का व्यापार देखने को मिलता है, एक तो आंतरिक व्यापार और एक विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार की अगर बात की जाए तो विदेशों के साथ, चाहे तुम ईरान ले लो, चीन ले लो, उसके अलावा तुम रोम ले लो, और उसके अलावा जो कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हमें देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा जो आंतरिक व्यापार की बात की जाए, जिस तरीके से जो मौर्य साम्राज्य के तहत, मगध साम्राज्य के तहत जो आंतरिक घरेलू व्यापार है वो किया जाता था यानी कि प्रांतों के मध्य, उसके अलावा जो पड़ोसी राज्य उनके साथ किया जाने वाला व्यापार, तो उसकी आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये किसके माध्यम से व्यापार है, जो कौन कौन से मार्गों के माध्यम से किया जाता था। जैसा कि बात की जाए तो व्यापार दो तरह के मार्गों से किया जाता था, चाहे विदेशी हो चाहे आंतरिक। एक तो जल मार्गों के माध्यम से, एक स्थल मार्गों के माध्यम। तुम देखते हो जैसे बड़े बड़े जो राजमार्गों का निर्माण राज्य के द्वारा करवाया जाता था, उन राजमार्गों के माध्यम से वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती व्यापारियों के द्वारा। और उसके अलावा जल मार्गों के द्वारा भी व्यापार किया। जल मार्गों की बात की जाए तो आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियाँ हैं, नदियों में जो नावों के, जहाज़ों के माध्यम से क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। इसके अलावा विदेशों में भी तुम स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के माध्यम से देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के तुम देखोगे, केरल पांडे राज्य, दक्षिण भारत के जितने भी जो प्रांत हैं उनके द्वारा जो पड़ोसी राज्यों के साथ, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, इनके साथ किस तरीके से, मलेशिया, इनके साथ जो समुद्र के माध्यम से व्यापार किया जाता था और चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था। अब व्यापारिक सिस्टम यानी ट्रेड सिस्टम की बात करें, मौर्य काल के दौरान किस तरीके से व्यापार ने जो विकसित अवस्था में था, किस तरीके से तरक्की और उन्नति व्यापार में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं विशेष प्रांतों में विशेष चीज़ों का उत्पादन और विशेष वस्तुओं की जो उपलब्धता हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत हम देखेंगे कि जो विशेष प्रकार की चीज़ों के लिए जो मौर्यकालीन प्रांत अलग अलग प्रसिद्ध होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं आज भी, तुम देख लो चाहे है कि नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो उत्पादन होते हैं और उनके लिए वो प्रसिद्ध होते हैं। जैसा कि बात की जाए तो उस समय जो कश्मीर, कौशल, विदर्भ का क्षेत्र थे, ये हीरों के लिए प्रसिद्ध थे, या हीरे सर्वाधिक उत्पादित होते थे। उसके अलावा और बात की जाए तो ये जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र होता है, यहाँ चमड़े का व्यापार सर्वाधिक, हमें चमड़े की वस्तुओं जो द्वारा, चमड़े से द्वारा निर्मित वस्तुओं का उत्पादन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। आज भी तुम देखोगे हिमाचल में, ये जैसे किस तरीके से हम देखते हैं कि जो ऊनी वस्त्र उद्योग है, या उसके अलावा चमड़े के जो भी है, जो सर्दी में प्रयोग होने वाली चीज़ें, ज़्यादातर जो उत्पादन हमें हिमाचल में ही देखने को मिलता है। वर्तमान में तुम देखोगे तो उस समय भी हिमाचल जो चमड़े के लिए क्या था, प्रसिद्ध, यानी चमड़े से बनी हुई चीज़ों के लिए क्या रहता है, प्रसिद्ध रहता है, वो चीज़ें सर्वाधिक वहाँ उत्पादित होती है। इसके अलावा केरल व पांडे प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ मोतियों का उत्पादन ज़्यादातर है, क्योंकि समुद्र के निकट होने के कारण जो समुद्र में उपजने वाले जो भी है मोती वगैरह, ये सर्वाधिक हमें देखने को मिलते हैं केरल पांडे, यानी दक्षिण भारत के जो।
वस्तुएं पहुंचाई जाती थी। जैसे हमने बाजार सिस्टम के बारे में देखा है किस तरीके से और भी क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक हमें सार्थ का उल्लेख मिलता है, ये सार्थ क्या होता है अगर बात की जाए, सार्थ काफिले को कहते हैं, काफिले जो खूब सारे लोग एक जगह से एकत्रित होकर एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यानी लोगों का जो काफिला होता है एक समूह के रूप में लोग क्या करते हैं चलते हैं, उसे क्या कहते हैं सार्थ। अब व्यापारी भी क्या करते थे उस समय के दौरान, तुम देखोगे व्यापारियों के द्वारा क्या किया जाता, एक काफिले के माध्यम में समूह बनाकर ताकि उनको सुरक्षा भी मिल सके, इस तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते और अपनी वस्तुओं को वहाँ बेचते थे। अब इन काफिलों से क्या है, राज्य के द्वारा कर वसूला जाता था। जैसे तुम देखोगे चुंगी चौकी है वहाँ पे जो चुंगी कर वगैरह इनके द्वारा वसूल किया जाता था। अब कर वसूलने की एवज में राज्य इनको क्या करता था, सुरक्षा उपलब्ध कराता था कि भाई किसी तरह की जो चोरी चकारी ना हो जाए, इनके साथ लूटपाट ना हो जाए। इनकी सब की जिम्मेदारी किसकी होती थी, राज्य की होती थी। और उसके अलावा राज्य के द्वारा क्या किए जाते थे, स्थल मार्ग बनवाए जाते थे ताकि एक जगह से दूसरे स्थानों पर ये दूसरी जगह पर आसानी से अपना सामान लेकर जा सकें। तो इस तरीके से राज्य के द्वारा जो इसको प्रोत्साहन दिया जाता था, किसको बात की जाए तो व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता। अब ये जो है इन काफिलों के माध्यम से चलते रहते और एक जगह से दूसरी जगह ये चीज़ें वहाँ पहुँचा दी और वहाँ से जो चीज़ें यहाँ ले आए, तो जहाँ पे जो चीज़ सस्ती है वहाँ से लेकर आ जाते हैं और इसके अलावा जहाँ जिस चीज़ की मांग होती है वहाँ तक ये जो इनके द्वारा पहुँचा दी जाती है। और इसके बदले में जो राज्य है इनसे जो कर लेता है सुरक्षा देने की एवज में, बात की जाए व्यापारियों से भी कर वसूल किया जाता है राज्य के द्वारा। तुम वर्तमान समय में देखोगे तो व्यापारियों से जो सरकारों के द्वारा जो इनकम टैक्स वसूला जाता है कि नहीं, आयकर वसूला जाता है, सेल टैक्स वसूला जाता है, बिक्री कर वगैरह, तो ये सारे कर भी हमें जो मौर्यकालीन जो राज्य है उसके आय के स्रोत थे। अब इनके लिए सुविधा मार्गों का निर्माण करवा दिया जाता है। बात की जाए राज्य की तरफ से जो बड़े बड़े मार्ग है, जैसे जो संपूर्ण साम्राज्य को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने वाले मार्गों, अब इन मार्गों पे क्या किया जाता था, मार्गों पे व्यापारियों की सुविधा के लिए जो बीच बीच में धर्मशालाएं, जो सरायें जिसे कहते हैं, सराय यानी धर्मशालों का निर्माण करवा दिया जाता है ताकि व्यापारियों को चलने में दिक्कत न हो, आसानी से जो बीच में विश्राम भी कर सके, बीच में रुकने की अगर उनको आवश्यकता तो उसके लिए विश्राम स्थल बनवा दिए जाते थे। और उसके अलावा मार्गों में जो निशान चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह बात की जाए, दूरी सूचक चिन्ह भी बनवा दिए जाते थे। दूरी सूचक चिन्हों में यानी जैसा कि तुम देखते हो अभी भी रोड पे चलते हो तो ये अमुक जगह जो ऐसे सूचक चिन्ह लगे रहते हैं ना, पत्थर लगा रहता है और उस पर लिखा होता है कि अगला शहर इतने किलोमीटर के पश्चात है और उसके पश्चात अगला शहर है जो बात इतने किलोमीटर, जो दूरी सूचक है दूरी बताते रहते हैं, ऐसे बोर्ड साइन बोर्ड जिसे कहते हैं हमें देखने को मिलते हैं, ये राज्य की तरफ से लगवाए जाते थे और प्रत्येक डेढ़ मील पे ये लगवा दिए जाते, जिसे मील स्टोन भी कहते हैं, यानी आधा कोस एक कोस में कितने 3 किलोमीटर होते हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये जो प्रतीक चिन्ह लगा दिए जाते थे, दूरी सूचक चिन्ह लगा दिए जाते थे। और मार्गों की बात की जाए तो कई मार्गों का निर्माण जो राज्य के द्वारा करवाया जाता है व्यापार को प्रोत्साहन के लिए, जैसे दक्षिणापथ दक्षिण भारत को जोड़ने वाला, उत्तरापथ तक्षशिला तक जाता है मगध साम्राज्य से, तो ये जो विभिन्न जो प्रांत हैं उनको आपस में जोड़ते। उसके अलावा भृगुकुच यानी जो भड़ोच गुजरात वाला जो बंदरगाह है वहाँ तक भी जो स्थल मार्ग से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो विदेशी व्यापार होता है तो वहाँ से आने वाली वस्तुओं को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके से स्थल मार्गों का प्रबंध हमें देखने को मिलता है मौर्य काल के दौरान बात की जाए, और राज्य के द्वारा जो समय समय पर जो इन मार्गों का निर्माण करवाया जाता है। अब इन मार्गों की सुरक्षा के लिए जो ये जो स्टेप है विदेशी यात्री के द्वारा उल्लेख किया गया है कि इन मार्गों की सुरक्षा के लिए एक मजिस्ट्रेट नाम का अधिकारी होता था जो सार्वजनिक मार्गों की देखभाल करता था, कहीं मार्गों में टूट फूट नहीं है, मार्गों में कोई सुविधाएं नहीं है, तो इन चीज़ों की सारी जिम्मेदारी किसकी होती थी, मजिस्ट्रेट नाम के अधिकारी की होती थी, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आंतरिक व्यापार, अब बात करते हैं विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार है वो किस किस के साथ होता है, विदेशी व्यापार भी जल मार्ग के द्वारा भी होता है, तुम देखोगे समुद्रों में जो जहाज़ों के द्वारा जो विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। उसके अलावा थल मार्ग से, इधर देखो ईरान की तरफ है, चीन की तरफ है, जो यहाँ थल मार्ग भी हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों का जो हमें क्या है
अस्तित्व देखने को मिलता है बात की जाए स्थल और थल। वर्तमान समय में तो तुम देखोगे आजकल तो वायुमार्ग के द्वारा भी व्यापार होता है, जैसे नहीं देखते हो जेट विमान जो बड़े बड़े मालवाहक विमान होते हैं, तो उस समय हमें सिर्फ स्थल और थल मार्ग के द्वारा ही व्यापार का अस्तित्व देखने को मिलता है विदेशी व्यापार में। अब इन विदेशी व्यापार के बारे में चाणक्य के द्वारा उल्लेख करते हुए बताया गया, चाणक्य के द्वारा जो सेनापत कहा गया, किसको कहा गया, समुद्री जो जलमार्ग होता है उसको चाणक्य के द्वारा सेनापत कहा गया, और उसके अलावा जो परिवहन जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, परवण, ये कौटिल्य के द्वारा अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है। और उसके अलावा जो हमें कई तरह की जो जानकारियाँ प्राप्त होती है बात की जाए, जिसके माध्यम से हमें विदेशी व्यापार का पता चलता है। अब जो ये बड़े बड़े बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार होता था, बंदरगाह होते हैं जहाजी बंदरगाह जहाँ क्या होते हैं बड़े बड़े जहाज रुकते हैं, समुद्री मार्ग से जो आने वाले जहाज होते हैं, तो ये पोर्ट जिसे कहा जाता है पोर्ट बंदरगाह होते हैं, और बंदरगाह प्रमुख जो होता था अध्यक्ष था उसी के देखरेख में क्या होता था समुद्री व्यापार होता था, उसके द्वारा जो देखरेख की जाती थी समुद्री जल मार्गों की है, जहाज़ों की देखरेख उसी की देखरेख में होता है। और उसके अलावा जो कई तत्कालीन साहित्य से भी हमें जानकारी मिलती है भारतीय यात्रियों के द्वारा जो जोखिम भरी छह माह की जो यात्राएं की जाती थी उसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, यानी कि विदेशों से जो व्यापारिक संबंध के तहत जो कई तरह की जोखिम भरी यात्राएँ जो भारतीय व्यापारियों के द्वारा की जाती थी छः माह की, और उसके अलावा कौटिल्य के द्वारा अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया अगर कोई जहाज किसी मुसीबत में फंस जाए तो बंदरगाह अध्यक्ष को उसकी सहायता करनी चाहिए, और जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार करता है उसी तरीके से उसके साथ क्या करना चाहिए व्यवहार करना चाहिए। मूलतः विदेशों की काफ़ी चीज़ों की जो मांग भारत में देखने को मिलती है, अगर आप बात करो कि चीन के रेशम पट की, जो चीन से शुरुआती दौर में रेशम का उत्पादन जो बात की जाए कहाँ होता है चीन से ही होता है, रेशम का जन्म भी वहाँ से, रेशम की मांग भारत में रहती थी और वहाँ उसे रेशम को चीनी पट भी कहा जाता चीनी रेशम को, तो वह चीज़ें जो कहाँ से चीन से आयात की जाती थी। उसके अलावा जो बात की जाए ईरान से मोतियों का आयात किया जाता, कार्दमिक जो नदी होती है उसमें उत्पन्न वाले होने वाले जो कर्दम नदी हमें देखने को मिलती है ईरान में, उसमें उत्पन्न होने वाले मोतियों को कार्दमिक कहा जाता था, जो मणियाँ वगैरह होती वो ईरान से भारत में आयात की जाती थी। और उसके अलावा मिस्र के साथ मिस्र राज्य के साथ भी हमारे जो संबंध देखने को मिलते हैं बात की जाए व्यापारिक संबंध मिस्र के साथ, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के तहत भी जो व्यापारिक संबंधों का उल्लेख मिलता है मिस्र के साथ। उसके अलावा जो रोम के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध है स्ट्रैबो के द्वारा भी उल्लेख किया गया है, और इसके अलावा जो दक्षिण भारत में हमें कई रोमन साम्राज्य से संबंधित प्राचीन सिक्के भी प्राप्त होते हैं, तो इस तरीके से विदेशों से काफ़ी व्यापार था। उसके अलावा जो बात की जाए दक्षिण भारत के जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके द्वारा जो कंबोडिया जावा सुमात्रा मलेशिया मलेया इनके साथ क्या किया जाता था व्यापार किया जाता था दक्षिण भारत के जो लोगों के द्वारा बात की जाए। और इन व्यापारिक मार्गों में जो बात की जाए कोंकण का प्रदेश है वहाँ पे जो समुद्री डाकुओं के बारे में भी उल्लेख मिलता है, हालांकि राज्य के द्वारा जो इन समुद्री डाकुओं का क्या कर दिया जाता समय समय पर दमन कर दिया जाता था, या समुद्री मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी हमें उल्लेख मिलता है। अब विदेशों से बात की जाए तो विदेशों से कौन कौन सी चीज़ें तो मंगवाई जाती थी यानी कि आयात की जाती थी, और कौन कौन सी चीज़ें भेजी जाती थी यानी कि निर्यात की जाती थी उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर बात की जाए तो निर्यात की जाने वाली चीज़ें विदेशों में मूलतः देखा जाए तो कौन कौन से देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है, चीन के साथ थे, ईरान के साथ थे, उसके अलावा मलाया सुमात्रा कंबोडिया रोम यानी इटली जो इटली का क्षेत्र है उससे पहले वो रोम राज्य के नाम से जाना जाता था, इनके साथ हमें व्यापारिक संबंध देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें तो भेजी जाती थी भारत से, भारत समय अगर देखा जाए प्राचीन समय से ही जो बात की जाए तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादक रहा है, और उसके अलावा सूती वस्त्र का सर्वाधिक जो उत्पादक रहा जिसके तहत इलायची है दाल है चीनी है
तेज पत्ता है, नींबू, काली मिर्च, चावल, मसूर, कपास, सूती वस्त्र के उत्पाद भी इसी से संबंधित है। और वस्त्र वस्त्र में सूती वस्त्र सर्वाधिक केला, आभूषण इत्यादि क्या कर दिए जाते, विदेशों को भेजे जाते थे, निर्यात किए जाते। अब विदेशों से मंगवाई जाने वाली चीज़ों की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें मुख्यतः रहती है आयात वाली चीज़ों में जो बात की जाए। एक तो नील मंगवाई जाती है जो कपड़ों में दी जाती है, गोंद है, दासियाँ जो अगर बात की जाए, महिलाएं जो दासियों के रूप में जो आमोद प्रमोद के लिए जो शासकों के द्वारा मंगवाई जाती थी। उसके अलावा अरब मिस्र के घोड़े बहुत ही प्रसिद्ध होते थे, अरब और मिस्र देशों से क्या ये घोड़े मंगवाए जाते थे, और विदेशी शराब भी भारतीयों के द्वारा मंगवाई जाती थी। इसके अलावा खजूर, जो खजूर है ये अगर बात की जाए अरब देशों में सर्वाधिक उत्पादित होते थे उस वक्त बात की जाए, उन प्रांत उन क्षेत्रों से खजूर है, मिस्र है और खजूर है, मिस्र से जो शिलाजीत औषधि में उपयोग होने वाली चीज़ है ये शिलाजीत ये मंगवाया जाता, मिस्र से शिलाजीत व लोहा आयात किया जाता था। उसके अलावा जो टिन और शीशा वगैरह ये धातुओं का भी आयात जो भारत के द्वारा बात की जाए मौर्यकालीन शासकों के द्वारा उस वक्त किया जाता था व्यापारियों के द्वारा। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने मौर्यकालीन व्यापार के बारे में जिक्र किया, जिसके तहत हमने देखा कि मौर्यकालीन व्यापार में जो हमें व्यापारिक अगर बात की जाए तो स्थल और जल दोनों ही मार्गों के द्वारा जो व्यापार किया जाए, उसके अलावा जो मौर्यकालीन व्यापार में आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, और उसके अलावा जो राज्य के द्वारा किस तरीके से व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि व्यापार से उनसे जो आय प्राप्त होती, कर वगैरह प्राप्त होता था, और देखा कि कौन कौन सी वस्तुओं का तो क्या किया जाता, निर्यात किया जाता, विदेशों में भेजी जाती, और कौन सी चीज़ें वस्तुएँ जो विदेशों से मंगवाई जाती थी। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।